तो सुबह हो गई थी, सुबह सुबह ही मैं शिवन्या के लिए बना रही थी परांठे, बिकॉज उसको स्कूल जाना था, तो उसके टिफ़िन के लिए मैं कर रही थी परांठे पैक, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से बनाए, मतलब आंटी का वेट नहीं किया। और यहाँ पे गरम गरम परांठे, उसको ना ठंडे परांठे अच्छे लगते हैं, तो बस। और उसके बाद मैं ले रही थी अपना गरम पानी, और ये था बाहर का व्यू। हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह की शुरुआत हो गई, 8 बजे उठी थी, ले रही हूँ अपना गर्म पानी। उठी और उठते ही मैंने पहले शिवन्या के लिए 2 परांठे बनाया। मैंने कहा कि उसको ठंडे परांठे अच्छा लगता है, जब उठेगी तो एक अभी खिला दूँगी, एक उसको पैक करवा दूँगी। आज मैंने खुद ही बनाया इसके लिए परांठे। मैंने आंटी का वेट नहीं किया, मुझे लगा वो लेट हो जाएंगे, तो फिर भागा दौड़ी हुई। इससे बेटर है कि मैं खुद ही बना लूँ। अभी तो दोनों सोए हुए हैं, उठते हैं तो मिलवा दूँगा आपसे। बस अभी हम लोग जा रहे हैं शिवन्या को ड्रॉप करने, और आज उसने शूज भी नहीं पहना, आज उसने अपनी सैंडल पहनी। तो बस इसको आलू का परांठा मैंने दिया लंच में, और साहिल का वेट कर रही हूँ। अभी साहिल आएंगे यहाँ से, वो आ गए। ओ आ गए। कौन आ गया? पापी। देखो सबसे प्यारा कौन है? पापी। पापी। पापा। पापा। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमारे घर में कोई पार्सल ना आए, तो ये आज आए थे 2 पार्सल, जो कि एक मेरे लिए आया था, वो मैंने रिसीव किया था मीशो से। और ये वाला जो पार्सल मैं खोल रही हूँ, ये मैंने खुद मंगवाया है शिवन्या के लिए। एक्चुअली मैंने ना एक फ़्रॉक देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मतलब समर्स के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी है। वाइट और ब्लैक एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, और इस पर लिखा है आई लव मॉम एंड डैड। बहुत ही अच्छा है समर्स के लिए, लिटरली बहुत अच्छा कपड़ा है, सूदिंग है, और सबसे अच्छी बात यह कि ये स्ट्रेचेबल है, मतलब आराम से आ सकता है। तो मैंने ये ऑर्डर की थी 3 to 4 ईयर के बच्चे के लिए, तो ये इसको परफेक्ट साइज़ आया है, स्ट्रेचेबल भी है, बहुत अच्छी है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक आपको कमेंट में बता दूँगी, या फिर कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी मैं। और गाइज, ये जो दूसरा पार्सल है, ये भी मुझे आया है मीशो से, जो कि बहुत ही प्यारी ड्रेस है, 1 पीस है, ग्रीन कलर की ड्रेस है इसकी, मतलब स्लीव्स बहुत ही प्यारी हैं, और ये भी समर के लिए अच्छा है, बट ये पार्टी वेयर ड्रेस है। तो इसे भी मैं पहन के आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूँगी, लिंक इसका अपलोड कर दूँगी। पीछे से शिवन्या बोल रही है, उसकी प्लीज़ वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना। और यहाँ पे साहिल आ गए थे, तो मैं उनके साथ भी शेयर कर रही थी ड्रेसेस की क्या है क्या है। साहिल को भी बता रही थी कि ये शिवन्या के लिए ड्रेस मैंने मंगवाई है, और ये मेरे लिए ड्रेस आई है। तो बस अगर आपको चाहिए होगी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूँगी। आंटी हमारे बना के गई है आलू के परांठे कुछ इस तरह से, इसको अभी हम करेंगे फ्राई। और साहिल ने बोला देसी घी में मत करना, रिफाइंड में करना। और यहाँ पे मैं परांठे फ्राई कर रही थी, बिकॉज़ आंटी बना के गए थे, और यहाँ पे साहिल और मम्मा कर रहे थे ब्रेकफास्ट अपनी। और यही टाइम होता है जब खाना खाते हैं, तो अभी साथ में बैठते हैं, और फिर अपनी एक दूसरे की गॉसिप करते हैं, एक दूसरे से कोई बात होती है वो शेयर करते हैं। और बस यहाँ पे हम लोगों ने किया लंच शिवन्या के लिए सरप्राइज़, उसकी फ्रूटी जो वो यूजुअली मेरे से पूछती है, मम्मा आप सरप्राइज लाए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ उसको लेने, साहिल चले गए ऑफिस, और जस्ट अभी मैंने ब्रंच किया है, आलू का पराठा खाया मैंने भी, और बस अभी हम जाएंगे उनको लेने, मुझको लेने जाएंगे अभी हम। परसों मैं ना दूसरी वाली लिफ्ट में गई, उसमें इतना मच्छर ऐसा लगा था कि इसने ऐसे मतलब बैग भर के मच्छर फेंका, इतना मच्छर था ना वहाँ पे। ओफ ओफ, तो चलो उसे लाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। स्कूल में क्या किया था? नोनू के अलावा क्या किया? खेली किया था। और टिफिन खाया? टिफिन खाया। क्या था टिफिन में?
मैगी तो नहीं थी, क्या था बताओ? परौंठी। चलो जाओ जाओ आराम से, आगे देखो, चलो आगे देखो आगे देखो। बोलो दादी पिक्कू आया, दादी पिक्कू आया। आज दिया माँ पापा ने सरप्राइज घर आके, मतलब 4:30-5 बजे के करीब वो लोग घर पे आए। बस अब मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय, और एक तरफ बन रही है ग्रीन टी। और यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी, जिन्होंने चाय पीनी थी उनके लिए बनाई थी चाय, और पापा उन्होंने पीनी थी ग्रीन टी, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर बनाई थी ग्रीन टी। और बहुत अमेजिंग सरप्राइज था ये, बहुत अच्छा लगता है जब आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की और वो हो जाए ना, खासकर आपके अपनों की तरफ से, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और ये रही चाय और ये रही ग्रीन टी, दोनों साथ में ही बनाई थी मैंने। यहाँ पे हम सब बैठे थे साथ में और इतना एंजॉय किया ना, मतलब वो 1-2 घंटे कब निकल गए, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और शिवन्या की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कुछ। और फिर टाइम हो गया था उनके जाने का, वो लोग जा रहे थे और मैं उनको नीचे सी ऑफ करने गई थी। बहुत मुश्किल था ये टाइम, बिकॉज शिवन्या बहुत रोई उनके जाने के बाद, बहुत ज़्यादा रोई, बिकॉज शी डोंट वॉन्ट कि उसके नानू नानी जाते। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे मम्मा मुझे कुछ समझा रहे थे, कोई पता नहीं रेसिपी बता रहे थे, शायद मच्छर भगाने के लिए कुछ वो बता रहे थे कि इसको ऐसे ऐसे बनाना होता, और मैं उनको बस ऐसे ही लाड कर रही थी। और ये यहाँ पे खिला रहे हैं, इसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, और ये यहाँ पे मम्मी पापा और जा रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए आए थे बट बहुत मज़ा आया। उधर से नहीं जाते, उधर से नहीं जाते। हाय, नो 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 नो, हम भी जा रहे हैं। यहाँ पे शिवन्या को थोड़ा सूद करने के लिए हम लोग बाज़ार लेकर आए थे, उसको थोड़े चिप्स वगैरह लेकर दिए ताकि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। ये बन रही थी यहाँ पे आलू पनीर की सब्ज़ी, तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आंटी आए थे आज ये बनाने। मम्मी कहती है मिर्चों को अगर ऐसे करके रखा जाए ना तो वो सड़ती कम है। और यहाँ पे चिमनी लगाई हुई है, मेरी कोई आवाज़ ही नहीं आई होगी। आहो ना, तो ये था आज का व्लॉग। पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लहोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, एंड हाँ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। लव यू।